लाइफ में कभी वो दिन नहीं आने वाला कि पूरा पानी बह जाए तब आप नदी पार कर लें। तो साधु बोला, बेटा यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये सारे लोग ये क्यों सोच रहे हैं सब सब कुछ निपट जाए फिर मैं एंजॉय करूंगा, क्योंकि वो दिन फिर कभी लाइफ में नहीं आने वाला, सारी परेशानी खत्म हो जाए फिर मैं एंजॉय करूंगा, मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर मैं एंजॉय करूंगा, फिर मेरा ब्याह हो जाए तो फिर मैं एंजॉय करूंगा, फिर मेरा बच्चे हो जाए तो मैं एंजॉय। अरे भैया कुछ नहीं होने वाला, वहां तो हरा धनिया आने वाला है। सो अगेन द थर्ड गुरु मंत्र विच थ्रू वेदांतिक प्रिंसिपल्स आई वॉन्ट टू टेल यू इज बिगिन लिविंग टूडे। वॉट यू वॉन्ट टू एंजॉय, एंजॉय टूडे, डोंट वेट that this happens, and don't wait to do things based on another thing. Conditional happiness nahi hoti hai. Ye ho jayega to main khush ho jaunga, wo ho jayega kuch nahi. Agar aap khush hain to har hal mein khush hain. Ye aur wo hone se khush ka koi sambandh nahi. Learn, train yourself to be happy in any given circumstances. एक और बड़ा आपको कमाल का प्रिंसिपल मैं बताना चाहता हूं जो आपको यूनिक बना देगा इस करंट वर्ल्ड में, और वो यूनिकनेस का प्रिंसिपल ये है लर्न टू लूज। आपने जितनी पुस्तकें पढ़ी सब इस बारे में है, हाउ टू विन, हाउ टू गेन। मैं आज आपसे कह रहा हूं लर्न टू लूज, एंड ट्रस्ट मी द डे यू लर्न टू लूज यू बी द अल्टीमेट विनर, बिकॉज when I said you would be unique, I said with a lot of responsibility, because the problem in the current world is that everybody wants to win. Everybody is running in the race to be the first at the end. And this cutthroat competition to win is creating so much of a stress, is adding so much of pressure on you, because that race to win does not end with you. It has spread like such that the entire society, when you look towards around you, you feel that everybody is expecting me to win. Mere maa baap, mere bhai behan, mere adosi padosi, sab yehi dekh rahe hain, बेटा पास हो गए ना, इंजीनियर बन गए ना, और आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा अगर मैं फेल हो गया तो, क्योंकि आपने कभी लर्न टू लूज सीखा ही नहीं। और अगर आप लर्न टू लूज सीख गए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको वो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर नहीं हो रहा, because you have learned the art how to be a healthy loser. हम आए दिन मुकदमे हारते हैं कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद जो भी नया क्लाइंट आता है वो एक ही क्वेश्चन, सर जीत तो जाएंगे ना। अरे भाई जजमेंट मैं थोड़ी लिखने वाला हूं, लेकिन आप देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी, वो आते ही पूरी तैयारी, सर जीत जाएंगे ना, गारंटी है ना, कैसे गारंटी दोगे आप अपने लाइफ की, कैसे गारंटी दोगे, और आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग गारंटी मांग रहे हैं, कैसे गारंटी देंगे आप? आर यू योर ओन डेस्टिनी मेकर? यू आर नॉट, यू आर जस्ट अ स्पोक इन द व्हील ऑफ द डेस्टिनी, वन स्पोक, एंड द वन स्पोक डज नॉट रन द व्हील, डज इट? It does not. And you're just a minuscule one spoke in the whole wheel. How can you make
this destiny will run according to your own wishes. It will not. और हर आदमी गारंटी मांग रहा है, तो मुझे मजबूर होकर अपने क्लाइंट्स को कहना पड़ता है कि देखो भैया, गारंटी दो ही लोग दे सकते हैं। गारंटी देने की काबिलियत दो ही लोगों में है। गारंटी या तो भगवान दे, क्योंकि वही त्रिकालदर्शी है, वही भूत भविष्य सब जान रहा है, तो या तो गारंटी कौन दे? भगवान। और या गारंटी दे बेईमान, जिसको देते समय भी मालूम है क्या फर्क पड़ता है, बोल दो, इसको सुनना है ना, जीत जाएंगे ना सर? अरे अरे बिल्कुल जीत जाओगे, कैसी बात कर रहे हो, लफीज दो पहले। आप सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जाते, सर ठीक हो जाएंगे ना, मर तो नहीं जाएंगे, गारंटी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे गारंटी है? लेकिन हम सुनना चाहते हैं। ये फॉल्सहुड हमको बड़ा इलेट करता है, हम इस फॉल्सहुड में, इस इल्यूजन में जीना चाहते हैं कि आदमी गारंटी दे रहा है। अरे किस चीज की गारंटी है? आपके लाइफ की भी गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी इन दिस वर्ल्ड, लेकिन आप गारंटी मांगे जा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड कि आपने जो सोचा था, जैसा सोचा था, वो शायद नहीं होने वाला है। ये ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, इसलिए सारा फ्रस्ट्रेशन है। द मोमेंट यू लर्न टू बी अ गुड लूजर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट होता है, ही इज कंसिडर्ड गॉड ऑफ क्रिकेट, तो गॉड भी जीरो पे आउट हो रहा है ना, तो हम क्या हैं? अगर आप इतिहास पढ़े तो कृष्ण जी के नाम का एक नाम रणछोड़दास भी है, जो गुजरात की तरफ से लोग होंगे वो जानते होंगे। रणछोड़ मतलब जिसने रण को छोड़ के भाग गया, और आज आप उस रणछोड़ की पूजा करते हैं, वाह वाह क्या रण छोड़ा है आपने भाई, वाह क्या भागे आप मैदान से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वेदांतिक प्रिंसिपल्स, यही फिलॉसफी आपको बता रही है कि जरूरत पड़े तो जीतने के लिए रण छोड़ना भी कई बार आवश्यक होता है। हर बार मूर्खतापूर्ण यही सोचते रहना कि मैं तो बस जीतने के लिए बना हूं, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन का कारण है। रण छोड़ना भी जरूरी होता है, हारना भी जरूरी होता है, और हार सीखना, हार को डाइजेस्ट करना और फिर बैलेंस बने रहना भी जरूरी होता है। जीरो पे आउट होने के बाद आपने कभी देखा है कि उस प्लेयर ने रोना पीटना मचा दिया हो मैदान पे, अब हम कब भी नहीं खेलेंगे, ऐसे जीरो पे आउट कर दिए, ये कोई बात होती, हम नहीं खेलेंगे ऐसे? ठीक है, जीरो पे आउट हो, सर झुकाता है, चला जाता है, अगले मैच में फिर खेलेंगे। So these sports, they're teaching you, learn to lose and to be a good loser. सोचा तो हमने भी था कि बहुत बढ़िया हीरोइन से मेरा ब्याह होगा, हो गया हरा धनिया, तो क्या हुआ, खुश हैं, हरा धनिया ढूंढ रहे हैं। By God, मन में एक ही ambition बची है बेटा, एक दिन मैं वो गर्व की निगाहें देख लूं अपनी बीवी की नजरों में, हाँ ये लाए धनिया, ऐसा होता है धनिया। अब 15-17 साल हो गए, अभी तक तो नहीं अचीव हुआ है, खरीदे जा रहे हैं धनिया, तो फेल हो रहे हैं ना, वो धनिया नहीं खरीद पाया अभी तक जो आंखों में गर्व ला दे, हाँ ये कहलाता है धनिया। अभी तक तो क्या हो रहा है, बस बस मालूम है, धनिया तक तो खरीदना आता नहीं, बड़े भारी लॉयर बन के घूम रहे, लोगों को वेदांत समझा रहे, यही फेल्योर झेल रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं। तो ये मेरा चौथा गुरु मंत्र आपको, लर्न टू लूज एंड बी अ गुड लूजर, दिस विल चेंज योर एंटायर पर्सनैलिटी, यू विल बी यूनिक।
आपको फेल्योर फ्रस्ट्रेट नहीं करेगा, बात खत्म होगी, जीवन में मजा आने लगेगा। बड़े से बड़े फिल्म स्टार की फिल्म फ्लॉप होती है ना, ऐसा है क्या कोई कि गारंटी है बस ये फिल्म स्टार है तो हिट होना ही नहीं होता, फ्लॉप हो जाती है। अभी एक फिल्म चल रही है मंगल मिशन, मिशन मंगल, देखो वो भी ठीक से बोल नहीं पा रहा, ये भी फेल्योर है। उस फिल्म में आप देखिए कितने सारे फेल्योर हो रहे हैं बिफोर दे फाइनली सक्सीड, है ना, आपने अगर देखी है तो आपको पता होगी। थॉमस अल्बा एडिसन ने जब बल्ब का इन्वेंशन किया और किसी पत्रकार ने पूछा, सर मैंने सुना आप 999 टाइम्स फेल हो गए, 1000th टाइम आपको पता चला बल्ब, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, 999 टाइम्स में फेल नहीं हो गया, 999 टाइम्स आई सक्सीडेड इन नोइंग कि ऐसे बल्ब नहीं बनता है। ये पर्सपेक्टिव है ना सोचने का कि आई सक्सीडेड 999 टाइम्स टू नो दैट दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड टू मेक बल्ब। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनमें वो परसीवरेंस है कि 999 बाद हारने के बाद भी फिर भी डटे रहे कि 1000वीं बार हम सक्सीड करेंगे। डेवलप दैट परसीवरेंस, डोंट बी डिसहार्टेंड बाय दीज मिनिस्क्यूल फेलियर्स इन योर लाइफ। ये सब चलता रहता है, ये उसी नदी के पानी के बहाव की तरह संघर्ष आते रहेंगे, तकलीफें आती रहेंगी, आप डटे रहिए, उसका अंत कभी नहीं होने वाला। और आखिरी पांचवा जो गुरु मंत्र मैं आपको देना चाहता हूं, उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। हम जब भी किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, we all have a firm belief कि कोई external force मुझे support कर दे तो बस देखो मैं क्या करूं। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, churches में जाते हैं, जाने कितने किलो नारियल फोड़ डाले और भगवान को असर ही नहीं हो रहा, जाने कितनी अगरबत्तियां जला दी भगवान सुन ही नहीं रहे। हम हर दिन पहुंच जाते हैं, भगवान मेरा ऐसा कर दो, भगवान मेरा वैसा कर दो, एंड वी हैव अ फर्म बिलीव कि बस टाइम नहीं मिल पा रहा है, भगवान को सुनेंगे एक दिन, थोड़ा बिजी चल रहे हैं इसलिए बता कर नहीं पाए, जैसे ही ध्यान देंगे मेरा काम हो जाएगा। अरे भाई वो मंदिर है, कोई मंत्रालय थोड़ी है कि आप चक्कर लगाए जा रहे हैं, मिनिस्टर साहब को जिस दिन टाइम मिलेगा आप पे ध्यान दे देंगे, ऐसा नहीं है। और कमाल की बात देखिए कि हम इतना ज्यादा उस बिलीफ में चले जाते हैं कि अगर हमारे मन का भगवान नहीं कर रहा तो हम भगवान से भी गुस्सा हो जाते हैं, अरे छोड़ो बेकार है पूजा पाठ से, कुछ नहीं होता इससे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।